ये है ईयर 2000 में रिलीज्ड करीना की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी का एक सीन, और ये है उसके 20 साल बाद ईयर 2020 में रिलीज्ड अंग्रेजी मीडियम में करीना कपूर। फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अपने डेब्यू फिल्म में तो करीना काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही थी, वहीं आज करीब 40 की उम्र में वो सचमुच हेल्दी, फिट और पहले से काफ़ी स्लिम हैं। आप ये बात भी बिल्कुल जानते होंगे कि एक यंग एज में अपने आप को स्लिम रखना इजी होता है, जबकि बढ़ती उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने की वजह से वेट गेन होने की टेंडेंसी बनी रहती है। आज का वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देखकर समझ लें तो आप भी करीना कपूर की तरह बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकी शुरुआती फिल्मों में आपने देखा होगा कि ये उतनी स्लिम नहीं थी जितनी वो आज हैं। फ्रेंड्स, वेट गेन करने की वजह काफ़ी सिंपल होती है कि आप ये नहीं जानते कि आपको क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट को भी इग्नोर करते हैं, जो कि वेट गेन का कारण बनता है। अपने डेब्यू के 4-5 सालों बाद इन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंजेस लाने शुरू किए और उसका इन्हें रिजल्ट्स भी धीरे धीरे मिलने लगा। लेकिन इनके फिटनेस और लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया फिल्म टशन के दौरान। टशन यशराज बैनर की एक मूवी थी जिसमें रोल की डिमांड थी कि इन्हें काफ़ी स्लिम अवतार में नजर आना, और मूवी के इस रोल के प्रेप के लिए यानी वजन घटाने के लिए इन्होंने हायर किया न्यूट्रिशनिस्ट सुजुता दिवेकर को, और उनके गाइडेंस से इन्होंने डाइट, वर्कआउट और वेट लॉस की सभी बारीकियां इतनी अच्छी तरह से सीखी कि इन्होंने न केवल अपना सक्सेसफुली वेट लॉस किया बल्कि उस दौरान इन्होंने साइज 0 फिगर भी अचीव किए, और उसके बाद से हमेशा ये नॉर्मली मेंटेन्ड ही नजर आई। और इसी डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल की सही समझ होने की वजह से ही ये अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी सक्सेसफुली अपना वेट लॉस कर पाई। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्या था कि ये शुरुआती सालों में अपना वेट लॉस नहीं कर पा रही थी और एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करने के बाद इन्होंने बड़ी आसानी से अपना वेट लॉस कर लिया। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको करना होगा कैलोरिक डेफिसिट। इसे आप दो तरीकों से समझ सकते हैं कि कैलोरिक डेफिसिट करने से ही आप वेट लॉस कर पाएंगे, या जो भी वेट लॉस कर लेता है उसका मतलब साफ है कि वो कैलोरिक डेफिसिट डाइट में था। और जब भी बात डाइट या डाइटिंग की आती है तो लोगों को लगता है कि हमें काफ़ी कम खाना होगा, अपने आप को परेशान करना होगा, यानी वो समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको भूखे रहना होगा, अपने आप को पनिश करना होगा। केवल इसी परसेप्शन की वजह से काफ़ी लोग वेट लॉस ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि हम अपने आप को सजा नहीं दे सकते वेट लॉस के नाम पर, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। यानी अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, ना ही हमें भूखे रहना होता है, ना ही हमें अपने आप को परेशान करना होता है। हम बड़ी आसानी से अपने डाइट को एंजॉय करते हुए भी वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और गौर करनी है कि कैलोरिक डेफिसिट भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। यानी एक तरीका तो ये हुआ कि आप अपना कैलोरी इन काफ़ी कम कर लें, यानी कम से कम खाना खाएं। यहाँ आप अपना पूरा फोकस कैलोरी इन पे दे रहे हैं, जबकि ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी कैलोरीज बर्न करने में ज़्यादा फोकस करें, यानी आपको अपना वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। करीना भी अपने वेट लॉस के लिए 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज का रोल मानती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भूखे नहीं रहें और फिर भी कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो कर सकें, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। मोस्टली आप अपने फूड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें आपको कम से कम न्यूट्रिशन मिलेगा और कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलेगी, ऐसे फूड आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं। अधिकतर पैकेज्ड, प्रोसेस्ड, हाई शुगरी और हाई ऑयली फूड आइटम्स इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है कम से कम कैलोरीज में अधिक से अधिक न्यूट्रिशन वाली, इनमें अधिकतर होममेड और होम कुक फूड्स आते हैं। इनमें सभी प्रकार की सब्जियों और फलों का सेवन भी आप कर सकते हैं, बस हमेशा आप होल फ्रूट्स खाएं, न कि फ्रूट जूसेस। और आपको शुगर और ऑयल का कंजम्पशन भी कम से कम करना है, क्योंकि जहां शुगर कैलोरीज के साथ साथ आपका इंसुलिन स्पाइक भी करता है, जो कि वेट लॉस का कारण बनता है, वहीं एक टीस्पून ऑयल में 40 कैलोरीज होती है,
लेकिन करीना ने हमेशा इस बात का भी ध्यान रखा कि हमें हेल्दी फैट्स भी खाने चाहिए, इसलिए आपको अपने डेली फूड आइटम्स में नट्स और सीड्स को इंक्लूड करना चाहिए और लिमिटेड मात्रा में आपको देसी घी भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इनमें होता है हेल्दी फैट। लेकिन ध्यान रहे कि आपको रिफाइंड ऑयल का प्रयोग भी कम से कम करना। फ्रेंड्स, कई लोग ऑयल को कम करने के चक्कर में ऑयल को पूरी तरह अपने डाइट में से एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि गलत बात है। एक सही वेट लॉस रिजल्ट पाने के लिए सभी प्रकार की विटामिंस को अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए और आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए आपको हेल्दी फैट्स का कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है। ब्रेड और बिस्किट जैसे चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं या बेसन या ओट्स की रोटी भी ले सकते हैं। ओट्स जैसे हाई फाइबर ग्रेन्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके आप काफ़ी समय तक सेशिएटेड रह सकते हैं, यानी आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी अगर आप ओट्स से बने हुए चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह हाई फाइबर वाले न्यूट्रिशन रिच लो कैलोरिक फूड खाकर आप बड़ी आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप चाहें तो अपने मील से 15 मिनट पहले एक गिलास पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर ले सकते हैं, एक चम्मच यानी एक टेबलस्पून। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि दिन में 2 टेबलस्पून से ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम नहीं करना। फ्रेंड्स, इस तरह एक सही बैलेंस डाइट खाकर आप बड़ी आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। बैलेंस डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, कार्ब की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करने हैं और फाइबर भी इंक्लूड करने हैं, यानी आपको रोटी या चावल की क्वांटिटी कम करनी है। दूध, दही, दाल, चने जैसे प्रोटीन युक्त आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। हेल्दी फैट्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आपको हर मील में हाई फाइबर के लिए आपको सैलड्स भी इंक्लूड करने हैं। रोज आपको किसी सीजनल फ्रूट्स की एक सर्विंग ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही रायता, छाछ या लस्सी जैसे दही से बने आइटम्स आपको ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, जिनमें होता है प्रोबायोटिक्स और ये आपके गट में गुड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ाकर रखता है, जो कि डाइजेशन और वेट लॉस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह वेट लॉस में हाइड्रेशन का भी काफ़ी रोल होता है। अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखने के लिए आपको एक दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। कोला और सोडा जैसे आर्टिफिशियल बेवरेजेस पीने के जगह आप नारियल पानी ऑप्ट कर सकते हैं। नारियल पानी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्योर अनअडल्ट्रेटेड बेवरेज होता है, जो कि फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। अब अगर वर्कआउट की बात करें तो करीना का फोकस ज़्यादातर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में रहा है और आजकल वो पिलाटिस पर भी फोकस कर रही हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में उन्हें योगा और पावर योगा के कई फॉर्म्स बेहद पसंद हैं, एस्पेशली सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसान एक्सरसाइज है जिसको दोहराकर आप आसानी से वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। कई बार करीना एक दिन में 100 से 150 बार सूर्य नमस्कार परफॉर्म करती हैं। आपको पता होगा कि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और इस 12 आसन को कंप्लीट करने पर एक राउंड सूर्य नमस्कार का पूरा होता है। आप भी दिन में 100 राउंड सूर्य नमस्कार करके वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप ब्रिस्क वॉक जैसी कार्डियो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, ये भी वेट लॉस के लिए काफ़ी कारगर होती है। फ्रेंड्स, डाइट या एक्सरसाइज के अलावा भी हमें कुछ बातें फॉलो करनी होती हैं ताकि हम वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट ले सकें। इसमें आपको रात को 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेना सुनिश्चित करना चाहिए और साथ ही साथ आप दिन या दोपहर में ना सोएं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और अपनी वेट लॉस जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, तभी आपको वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। ये रिकमेंडेड होगा कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान एक अच्छा मल्टीविटामिन टैबलेट डेली ज़रूर लें। फ्रेंड्स, आप हमारे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर में विजिट करके रुजुता दिवाकर की कई वेट लॉस से रिलेटेड बुक्स डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप मल्टीविटामिंस, वे प्रोटीन या वेट लॉस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बेहतरीन प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। इस वेट लॉस स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आसानी से वेट लॉस करने के लिए आप देख सकते हैं मेरा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसको देखकर समझकर और फॉलो करके आप भी बड़ी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप बिना गलती किए जल्द से जल्द मेरे गाइडेंस में अपना वेट लॉस करना चाहें तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।